उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद व सुपौल सदर डीएसपी विद्यासागर को मिली बड़ी सफलता। देर रात एक कंटेनर के साथ 259 कार्टून कुल 8,950 बोतल विदेशी शराब किया जब्त। कारोबारी व चालक फरार। बताया गया कि गुप्त सूचना के तहत पिपरा थाना क्षेत्र के निर्मली गांव के समीप ये कार्रवाई की गई। डीएसपी विद्यासागर व उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संयुक्त छापेमारी में ये कार्रवाई की गई। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद ने कहा, गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि निर्मली चौक से आगे एक ईंट भट्टा है जो पिपरा थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां पर एक कंटेनर खड़ी है जिसमें शराब लदी है। जब वहां छापेमारी टीम पहुंची तो पाया वहां पर कुछ शराब की कार्टून नीचे रखी है। गाड़ी की रोशनी को देख कारोबारी व चालक फरार हो गए। कंटेनर को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की गई। जब उसकी गिनती की गई तो 259 कार्टून कुल 8,950 बोतल विदेशी शराब की बरामदगी हुई, जिसे पिपरा थाना को सुपुर्द की जा रही है, जिससे सघन जांच हो सके। उन्होंने कहा, होली को ध्यान में रखते हुए लगातार विशेष जांच अभियान चलाई जा रही है। सदर डीएसपी विद्यासागर ने कहा, निर्मली चौक से 1 किलोमीटर दक्षिण पुरानी ईंट भट्टा के पास से कंटेनर बरामद हुई है, जिससे 8,950 बोतल कुल 2,311 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। कंटेनर में बहुत सारे सर्फ के बोरे हैं जिसमें शराब की कार्टून को छुपा कर रखा गया था। उत्पाद और पिपरा पुलिस के संयुक्त प्रयास से मेरे नेतृत्व में इसे पकड़ा गया है। आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। किसकी शराब थी और कौन इस अवैध कारोबार में संलिप्त है, उसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। चाबी दे दे। उसको अभी वैसे हैंडल तब तक लॉक के भी वैसे ही उसको जैसे होगा फिर अपना उसको रख दीजिएगा। ये 180 है।
इधर कितना है? ठीक से भी जाए लिए बुरा है। गश्ती के दौरान निरीक्षक उत्पाद प्रहार बल एवं सदर अवर निरीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि निर्मली चौक पर एक ईंट भट्ठा है आगे चलकर, जो पिपरा थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां पर एक ट्रक खड़ी है। सूचना में प्राप्त हुआ था कि उसमें शराब लदा हुआ है। वहां पर मेरी टीम पहुंची तो पाया कि उससे कुछ शराब की पेटियां नीचे उतारी गई है। लाइट को देखते हुए ड्राइवर और खलासी वहां से भाग खड़ा हुआ है। ट्रक को अपने कब्जा में करते हुए उसकी आगे कार्रवाई की गई, यहां लाकर उसकी गिनती किया गया है तो कुल उसमें 259 पेटी और 94 बोतल पाया गया, जिसका कुल लीटर 2311.635 लीटर होता है। आगे जांच अंतर्गत पिपरा थाना को केस सुपुर्द किया जा रहा है, वो इसमें अच्छे से छानबीन कर सकते हैं। कुल कितने बोतल हैं सर? कुल बोतल 8950 है, जो कंटेनर में बरामद हुआ है, जो वहाँ खड़ी थी उसको जब्त कर लिया गया। सर ये जो अभियान चल रही है क्या होली को देखते हुए किया जा रहा है? होली को देखते हुए महत्वपूर्ण तो माना जाता है, लेकिन अब तो मद निषेध है, ये तो सालों भर हम लोग का कार्य है। इसमें थाना और मद निषेध दोनों का ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है। कहाँ से शराब बरामद हुई है सर? हाँ, ये शराब बरामद हुई है निर्मली चौक से, करीब 1 किलोमीटर दक्षिण एक रोड जाती है, वहीं पर पुराना एकदम एबांडेंड ईंट भट्ठा है, वहीं से शराब बरामद हुई है। एक हरियाणा का कंटेनर है, HR61C2589 नंबर, और उसमें टोटल 259 कार्टून शराब है, जिसमें कि इंपीरियल ब्लू भी है 180 ml का, 375 ml का, और ग्रैंड अफेयर प्रीमियम बिस्की ये 251 कार्टून है, और 8 कार्टून इंपीरियल ब्लू है। टोटल 259 कार्टून और 8950 यानी कि 8950 बोतल है कुल, जिसमें 2311 लीटर टोटल शराब बरामदगी हुई है। और इसको सर्फ का बोरा उसी में छिपा करके इसको लाया जा रहा था, और वहाँ से वितरित करने की बात थी, तब तक स्पाई के द्वारा एक्साइज और पिपरा पुलिस दोनों के सम्मिलित प्रयास से मेरे नेतृत्व में इसको पकड़ा गया है, और आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। किसकी शराब थी अभी तक कोई सब बात सब सामने नहीं, ये तो पता नहीं चल पा रहा है अभी, लेकिन हम लोग ये भी पता कर रहे हैं कि क्या गाड़ी में GPS लगा हुआ है, जिसके आधार पर कहाँ से गाड़ी चली थी और कहाँ कहाँ जाना था, इसको किस मोबाइल से हैंडल किया जा रहा था, GPS को वगैरह सब पता करके हम लोग निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। कैसा माना जा रहा है कि जश्न के लिए शराब लाई गई थी? अब ये तो अनुसंधान से पता चलेगा, लेकिन होली का समय नज़दीक आ रहा है, हो सकता है कि होली के आसपास इसको डंप करके होली के आसपास बेचने की बात हो रही हो। ईंट भट्टा मालिक का पता चला जिसका जहाँ लगी हुई थी गाड़ी? नहीं, वो तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है। आसपास हम लोग पता भी किए कि किसका ये ईंट भट्टा है, कुछ पता नहीं चल पाया है अभी तक, लेकिन पता चल जाएगा।